हाँ भाई हाँ, मैं हैक करूं यही सुनना चाहते थे ना। अब मुझे एक बात बताओ, हार्ट हैक करो ना कौन सी बुरी बात है? मैं लोगों का हार्ट हैक कर लेती हूँ, भूल गए क्या? वेरी 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 हार्ट अटैक डॉन। चलो गाइस, मजाक से हटके ये वीडियो आज बहुत ही एक सीरियस और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बनानी पड़ रही है मुझे, एंड ये बहुत जरूरी भी हो गया था क्योंकि चैट में बहुत सारे ट्रू फैंस की खाल में अपने ट्रू कलर्स दिखाने लगे हैं। जवाब देना तो जरूरी बन गया था। इसलिए हम ये वीडियो को बना रहे हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी बीजीएमआई आईडी हुई है बैन और उस पे पड़ गया है बैन पैन। अब ये सब क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब आपको बताने के लिए मुझे थोड़ा सा रिवाइंड करके आपको लेके चलना पड़ेगा एक गेम में, जो कि हम अपनी लाइव स्ट्रीम पर खेल रहे थे। उस गेम में एक तुच्छ प्राणी आ गया था जिसने सर्वर फ्रीज हैक लगाया था। अब आप में से जितने लोग जानते हैं, जो लोग हमारी लाइव स्ट्रीम फॉलो कर रहे हैं या फिर वो कॉन्करर लॉबी की लाइव स्ट्रीम्स फॉलो करते हैं, तो उन्हें पता होगा कि कॉन्करर लॉबी में किस तरीके की लॉबी आती है। कॉन्करर लॉबी में हैकर्स आना आम बात होती है। सो गाइस, आपकी डॉन की रैंक चल रही थी कॉन्करर में 47 के अराउंड, लीडर बोर्ड में 47 होल्ड करके रखा था हमने, एंड उस टाइम पे हमारी बहुत सारी माइनस भी लगी है सर्वर फ्रीज हैकर की वजह से, बट वो सब हमारा इस वीडियो का टॉपिक नहीं रहने वाला है। इस वीडियो में हम आपको एक मैच के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं जिस मैच में सर्वर हैकर आया और हमने रिकॉर्ड किल्स करे पूरे इंडिया में। रिकॉर्ड किल्स मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब तक जो हाईएस्ट फिनिशेस हुए हैं हमारे बीजीएमआई कम्युनिटी में वो है 51 बाय लॉल। तो मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगी जहां पर आपको लॉल्स की किल्स लॉल्स की जुबानी सुनने को मिलेगा। सो हियर वी गो। मेरा हाईएस्ट किल 58, वो मैंने ना लो टियर में किया था क्योंकि वो टाइम पे हुआ क्या था, कोई बंदा 50 किल कर रहा है तो मैं 51 कर रहा हूँ, कोई वापस से 52 कर रहा है तो मैं 53 कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे कंपटीशन शुरू हो गया था। बट मैंने सामने वाला देखा तो सामने वाले लो लेवल पे गए, मैं बोला चलो ठीक है इनके रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। बट मेरा जो मेन रिकॉर्ड है वो है 50 सोलो किल्स इन कॉन्करर लॉबी, वो आई डोंट थिंक कोई कर भी पाएगा क्योंकि एक ही क्लासिक। सो लॉल्स ने अभी रिसेंटली एक वीडियो में रिवील करा है उनके 51 किल्स का हाईएस्ट रिकॉर्ड है, एंड उस रिकॉर्ड को हमने ब्रेक कर दिया है 59 किल्स करके सिंगल मैच में, समझ रहे हो गाइस? तो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, बट इस अचीवमेंट की हमें एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है, और कीमत ये है हमारी आईडी हो चुकी है बैन। बिना कोई हैक लगाए, बिना कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करे या बिना कोई भी अनफेयर मीन्स का एडवांटेज लिए। अब हम आपको थोड़ा स्टोरी लाइन बताते हैं एक्चुअली में हुआ क्या था। एक लॉबी आई थी हमारी जिसमें एक तुच्छ प्राणी आया था जिसने यहाँ पर सर्वर फ्रीज हैक यूज किया था, जिसकी वजह से सबका पिंग हाई हो गया था, जो की सारी फुटेज हमारी लाइव स्ट्रीम पर अवेलेबल है। वैसे तो मेरी किस्मत बहुत पनौती वाली है, मगर उस टाइम मैं लकी हो गई और मेरे हाथ में कट्टा होने के बावजूद मैंने सामने वाले एनिमी को या फिर मैं कहूँ हैकर को किल कर दिया, जिसका फुटेज भी हमारे पास अवेलेबल है, और उसको मारने के बाद मेरे हाथ में लग गया था खजाना, खूब सारे फिनिशेस का खजाना, साथ ही साथ चिकन डिनर भी। सो गाइस, उस मैच में हमने जितने भी वहां पर बंदे थे जो कि पिंग हाई सर्वर इशू की वजह से मैच में रिज्वाइन नहीं हो पाए या फिर वो मैच छोड़कर चले गए, तो वो ऑफलाइन बंदे हमें सारे के सारे मिल गए, जिसका हमें कम से कम नहीं तो नियर अबाउट 36 किल्स के अराउंड मिल गया, एंड बाकी फिर हमने पूरी लॉबी घूम घूम के सारे बंदे मारे, एंड हमारा टोटल किल्स जो था वो पहुंच गया था 59 मैच खत्म होते होते। सो ये एक रिकॉर्ड फिनिशेस हमने यहाँ पर जरूर से अचीव करे, और उसका यहाँ पर हमने खामियाजा भी भुगत लिया है। सो इतना किल्स भी मत करो गाइस कि लोग तुम्हें हैकर कहने लगे, और फिलहाल के लिए आईडी हमारी हो चुकी है बैन, मगर अनबैन हो जाएगी बिकॉज हमने कुछ भी गलत मीन्स यूज नहीं करे हैं। सो आईडी हमारी जरूर से रिव्यू में जाएगी, एंड रिव्यू के बाद हमारी आईडी अनबैन हो जाएगी, दैट्स फॉर श्योर। सो देखा आपने किस तरीके से हमने एक नया रिकॉर्ड तो बना लिया है। सो गाइस, अगर किसी का आईडी हैक की वजह से बैन होता है ना, तो उसका टियर डायरेक्ट रीसेट होता है ब्रोंज 5 पर, एंड अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमारी आईडी अभी भी कॉन्करर टियर पर ही दिखा रही है। दैट्स इनफ टू मेक योर डाउट्स क्लियर कि यहाँ पर बैन का रीजन क्या है। सो आईडी फ्लैग होना ही बैन का रीजन है, 59 किल्स होना ही हमारे बैन का रीजन है, एंड आई चैलेंज, क्या कोई है जो मेरा ये 59 किल्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है? एंड बीवेयर, अगर आप ये रिकॉर्ड ब्रेक कर पाए तो आपको भी मिलेगा एक अवार्ड।
मैच का। सो बिवेयर गाइस, और खतरों के खिलाड़ी बनना है तो मेरा ये रिकॉर्ड ब्रेक करके दिखाओ। आई चैलेंज यू। और जो लोग ये सोचते हैं कि बिना हाथ लगाए आईडी बैन नहीं होता है, तो गाइस आपको मैं बता दूं कि गॉर्डन लॉल्स, जिसको आप सब लोग जानते होंगे, उनका भी आईडी बैन हुआ था, वो भी बिना हैक के। रीजन वही था, किल्स ज्यादा थे, आईडी को फ्लैग कर दिया गया था और आईडी को मिला था बैन पैन, बट आईडी अनबैन हो गया था, वो हैकर नहीं थे। तो प्लीज गाइस, फालतू अफवाहों पे बिलीव मत करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो और अपना सपोर्ट बरकरार रखो। अगर मगर अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, सारे सवालों का मेरे पास एक ही जवाब है, मैं कोई हैकर नहीं हूँ। अगर मैं हूँ तो सिर्फ और सिर्फ हार्ट हैकर डॉट हार्ट के अलावा मैं कुछ भी हैक नहीं करती हूँ। सो गाइज, अगर आप लोग मुझ में बिलीव करते हैं, मुझे जानते हैं, तो ज़रूर से आप मुझे सपोर्ट करते होंगे। और आपको पता होगा कि एंटायर हमारा लगभग 4 साल से यूट्यूब हम परस्यू कर रहे हैं, उससे पहले कॉम्बी भी परस्यू करते थे, इतने एंटायर करियर में हमने कभी हैक यूज़ नहीं करा। तो आपको लगता है ये फर्जी गंदी और गलीज हरकत मैं कर सकती हूँ? अगर हाँ तो शायद आप मुझे ढंग से अभी तक जान ही नहीं पाए होंगे, और अगर नहीं तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड ऑलवेज बीइंग ऑन माय साइड, थैंक यू सो मच। एंड गाइस, आई अश्योर यू कि आपका जो विश्वास है मेरे ऊपर, मैं उसे कभी भी गलत प्रूफ नहीं होने दूंगी। साथ ही साथ जब हमारी आईडी अनबैन हो जाएगी, तो जो लोग अभी हेटरेट फैला रहे हैं या हमें हेट दे रहे हैं, गलत कमेंट्स कर रहे हैं या फिर गलत अफवाह फैला रहे हैं, उन सबका मुंह भी बंद हो ही जाएगा। क्योंकि गाइस, सच को जितना चाहो आप छुपा लो, बट सच कभी छुपता नहीं है। तो बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा इंतजार करना है और अपना सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखना है। जब तक हमारा आईडी अनबैन नहीं होता, तब तक हम डिफरेंट डिफरेंट गेम्स ट्राई करेंगे एंड हमारी सेकंड आईडी से बिजुमाए भी खेलते रहेंगे। जितने भी हमारे फैंस हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, डॉन फैम है, सपोर्टर्स हैं, जितने भी हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतने डिफिकल्ट टाइम में मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ खड़े रहने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू, लव लव और वॉर। You know where the other part of the heart is. So guys, love, love or what? Spread the love and peace out everyone. Peace out. Milte hain live stream and agli videos mein.